गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार केसी, है ना। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, ठीक है। पाठ, इसमें हम लोग पाठ कितना पढ़ते हैं, पाठ छः, पाठ छः, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसगुल्लों की दावत, है ना, रसगुल्लों की दावत। अब देखिए, इसमें रसगुल्लों की दावत, इसमें क्या है, यह एक हास्य नाटक है। इसमें बच्चों के पर, इसमें क्या है, जो कुछ बच्चे है ना, जिसमें इसमें तीन बच्चे हैं जो रसगुल्ला खाने के लिए, क्या अपने माँ से रसगुल्ला खाने के लिए पैसे ठगने के लिए क्या किए, उन्होंने पैसे ठग कर रसगुल्ला खाने के लिए उन्होंने क्या किए, एक नाटक किए, है ना, अपने माँ के समक्ष, ठीक है। कि अपने माँ से हम कैसे उनको मतलब ये करके, मैंने कुछ मैंने 200 रुपये लें और उससे हम लोग क्या करें, मतलब रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है। अच्छा, चुन्नू मुन्नू और पुष्पा तीनों आपस में धीरे धीरे खुसुर खुसुर कर रहे थे। खुसुर खुसुर मतलब क्या हो जाएगा, धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कौन, चुन्नू मुन्नू और पुष्पा तीनों बच्चे, ठीक है, तीनों आपस में भाई बहन थे। अच्छा, उन्हें हंसी आ रही थी, वे हंसी रोक रहे थे, फिर भी हंसते जा रहे थे, मैंने चुपचाप वो मैंने एक प्लान बना रहे थे, है ना, एक, ठीक है। चुन्नू, तो ठीक है, मैंने प्लान बना था क्या, नाटक करने के लिए, है ना। अच्छा, चुन्नू, तो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना काम। पुष्पा जुबान है, देखो जरा होशियारी से, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। सब बात बिगड़ जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, अगर होशियारी से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगी। मुन्नू, अजी देखिए तो सही, मेरा काम ऐसा करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तीनों बच्चे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। एक पलंग पर पुष्पा लेटी हुई है, वह पेट पर हाथ रखकर करा रही है, करा मतलब दर्द, है ना। चुन्नू उसके पास खड़ा है और वह धीरे धीरे हंस रहा है। भीतर माँ की आवाज़, भीतर से माँ की आवाज़ आती है। उन्होंने तीनों बच्चे मिलकर क्या करें, नाटक कर रहे हैं। जो पुष्पा उसकी जो बहन, उसको क्या हो गया, बेड पर लटा दिया गया है, और जो उसका जो भाई है चुन्नू, है ना, वो चुन्नू क्या कर रहा है, और चुपचाप खड़ा है। और मुन्नू क्या कर रहा है, बोला कि ठीक है, देखो हम किस तरह से नाटक करते हैं, ठीक है। और अंदर से क्या, घर से अंदर मैंने माँ की आवाज़ आ रही है, पुष्पा ओ पुष्पा, मेरी बेटी कहाँ हो तुम, इधर तो आना। चुन्नू झट से बोलता, माँ दीदी तो अपने कमरे में दर्द के मारे चिल्ला रही है, है ना। जो उसकी माँ चिल्ला रही थी, माँ दीदी तो अपने कमरे में क्या हो गया, दर्द के मारे चिल्ला रही है। माँ घबरा कर चिल्ला रही है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को। माँ तेजी से पुष्पा के कमरे में जाती है, पुष्पा लेटी हुई है, वह माँ को देख कर कराहने लगती है, है ना। जब माँ दौड़ कर आती, देखी पुष्पा को क्या हुआ, जब देख रही तो क्या हो जाए, कराहने लगती है, मैंने बहुत मतलब जैसे कुछ मैंने दर्द हो रहा है, ठीक है। वो माँ पुष्पा के पेट में हाथ रखकर, क्या हुआ बेटी, उसकी माँ जब जाती है पुष्पा के अपने बेटी पूछती, उसके पेट में हाथ रखते, क्या हुआ, है ना। पुष्पा धीमी आवाज में, माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है ना। वो नाटक खेल रही, वो क्या बोल रही है, नाटक कर रही है, फिर माँ माँ पेट में हमारा क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। माँ अरे सुबह सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, यह अचानक पेट में दर्द कैसे हो गया, पुष्पा कराहते हुए, पता नहीं माँ, लेकिन पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऊँ करके वो रोने लगी, है ना। बोले उसकी माँ, बोली कैसे, तुम तो सुबह तक ठीक थी, लेकिन एक भी तुम्हारा पेट में से दर्द कैसे हो गया। और बेचारा माँ, बहुत पेट में दर्द है, इसीलिए क्या करने लगी, रोने लगी, है ना, रोने का नाटक करने लगी वो। माँ रो मत बेटी, रो मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। पुष्पा जल्दी से, नहीं माँ, तुम मेरे पास से पास ही बैठे रहो, चुन्नू को भेज दो ना, वह बुला कर लाएगा डॉक्टर को। पुष्पा बोली, नहीं माँ, तुम मेरे पास बैठो, वो जो चुन्नू उसका छोटा भाई, तुम उसको भेज दो माँ, वो डॉक्टर को बुला लाएगा। माँ पुकारती है, चुन्नू ओ चुन्नू, हमेशा खेलता रहता है, चुन्नू इधर तो आ। चुन्नू आता है, उसे हंसी आ जाती है। चुन्नू जानता है कि मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक नाटक मैंने कर रहे हैं, है ना। तो वो बेचारा जब उसको बुलाती है उसकी माँ, तो क्या होता है, चुन्नू को छोटा भाई से क्या होता है, उसको हंसी आ जाता है, वो हंसने लगता है हंसने लगता है, ठीक है। अरे अरे दीदी के पेट में दर्द हो रहा और तुझे हंसी आ रही है, बेशरम, सुन जल्दी से जा और जो पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं ना, उसको बुला ला, कहना दीदी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, अभी जा। उसके बाद बोली, जा तुरंत तुम डॉक्टर के पास जाओ, और दीदी के बोलना कि दीदी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और तुम डॉक्टर को तुरंत लेते आओ, नहीं अभी नहीं, तुरंत अभी जाओ, ठीक है। बड़ा